पीवी जगमोहन ने कहा है कि 15 अगस्त के दिन जिन्होंने भी राष्ट्रगान नहीं गाया है उनके खिलाफ एनएसए यानी कि राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा। आखिर एनएसए कैसे लग सकता है, इस बात पर मालूम करने के लिए हमारे मौजूद हैं वकील हैं जफरयाब जिलानी साहब। जिलानी साहब, एनएसए मुकदमा लगेगा जो राजगान नहीं गाते, क्या लग सकता है? देखिए, एनएसए का एक अलग कानून है जो डिटेंशन का लॉ है, और वो सिर्फ उस वक्त लगाया जाता है जब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से पब्लिक ऑर्डर या थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर या थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी का अंदेशा होता है। ये मामला जिसमें अगर किसी ने पर्टिकुलरली राष्ट्रगान गाया नहीं है यानी गाने के लिए किसी को मना किया है, एट द मोस्ट अगर आएगा तो अगर ऑफेंस होता है तो नेशनल जो एक्ट है, डिसऑनर एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है 1971 का, उसमें है। उसमें अगर कोई होगा तो उसकी में सज़ा हो सकती है, 3 साल तक की मैक्सिमम है। ये कहीं इससे पब्लिक ऑर्डर को कोई थ्रेट नहीं है, ना कोई नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। जो कि दफा आप जिलानी साहब जिनका साफ तौर मानना है कि एनएसए ऐसे नहीं लग सकता, उसका अपना कोर्स ऑफ लॉ है। कैमरामैन गिरीश के साथ खुर्रम निज़ामी, एपीएन, लखनऊ।